सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आ गया आपका भाई जीटी सैन एंड्रियास का पार्ट 3 लेके। अगर आपने अभी तक पार्ट 2 और 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी बाद में देख लेना। वैसे गाइस, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि भाई इसमें तो बहुत चेंजेस दिख रहे हैं, मतलब अपना सीजे तो पूरा भाई चेंज हो गया। तो देखो गाइस, मैंने सीजे की बॉडी वॉडी थोड़ी से बनवा दी है, जिम हम लेके गए थे हम सीजे को, और देखो यहाँ पे बॉडी क्या है, आपको तगड़ी लग रही होगी ना। और इसका बनियान भी चेंज हो गया, मतलब हम इसे कपड़े की दुकान पर भी लेके गए थे और इसका बनियान व्हाइट से ब्लैक करवा दिया, ठीक है। लेकिन आप सोचोगे भाई इसे कपड़े पहनाए क्यों नहीं तूने, इसलिए नहीं पहनाया गाइस क्योंकि देखो इसकी बॉडी देखो भाई क्या ही तगड़ी लग रही है। अगर इसे कपड़े पहना देते तो भाई बॉडी दिखती नहीं, तो क्या ही फायदा बॉडी बनाने का। इसलिए हमने सोचा कि भाई हटाओ, सीधा बनियान पहनाते हैं ब्लैक कलर का। अब देखो क्या ही तगड़ा लग रहा है, हेयर स्टाइल भी चेंज करा लिया तो भी भाई तगड़ा लग रहा है, क्योंकि पहले वाले हेयर स्टाइल मुझे अजीब ही लग रहा था मतलब भाई अजीब ही था। तो देखो भाई, यहाँ पे हम मैप में आ चुके हैं और वापस हम जाने वाले जिम। अब आप सोचोगे भाई जिम क्यों जाना है, क्योंकि भाई सीजी की बॉडी उतनी बनी नहीं, उतनी तगड़ी वाली नहीं बनी जितनी बनाना है। तो यहाँ पे जिम में आपने देखा मार्क कर दिया हमने, और यहाँ से अब हम निकलते हैं। वैसे भाई जिम तो अपना बहुत ही पास है, मतलब अगर हम चाहे तो ऐसे दौड़ के भी चल जाए, बट भाई अपना सीजे ना वो बहुत ही आसी है। देखो कार ढूंढ रहा है, कार या बाइक मिल जाए उसी से जाएगा। तो देखते भाई कहाँ पे सीजे ने रखा है कार को। ओके, सो गैरेज, आई थिंक गैरेज में सीजे ने कार को रखा होगा, और यहाँ पे कार हमें मिल गया है, सीजे को अपने मिल गया। सो गाइज, अब चलते हैं जिम की ओर और बनाते हैं बॉडी सीजे की। सो गाइज, यहाँ पे अब चलते हैं और बनाते हैं सीजे की बॉडी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जिस जिम में सीजे जा रहा है ना, वो जिम उतना फैंसी तो नहीं, मतलब उतना ऐसा नहीं कि बहुत सारा बहुत ही बड़ा जिम हो, लेकिन भाई इतना बड़ा जिम है कि सीजे की बॉडी बहुत ही तगड़ी वाली बन जाएगी। और वहाँ पे कुछ बॉक्सर्स भी है जिनसे हमें पंगे लेने हैं, रिंग विंग है। भाई मुझे तो वैसे सही लगा जिम, तो चलो आप दिखाता हूँ आपको कि जिम है कैसे। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमें जिम जाने की क्या ज़रूरत है, मतलब क्या ज़रूरत पड़ गई सीजे को जिम जाने की, ऐसी अपना स्मार्ट बंदा है भाई। लेकिन भाई देखो मैं बता दूँ, जिम जाने की से बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ही कम रहती है। कोई भाई मारता है तो तुरंत एनर्जी कम हो जाती है, जो रेड कलर का मार्कर आप देख रहे होगे तो तुरंत ही कम हो जाती है। तो एनर्जी तो भाई पहली बात बढ़ानी है, और साथ में बढ़ेगा सीजे का स्टैमिना, स्पीड और स्ट्रेंथ। तो भाई इसकी चीज़ तो बहुत ही ज़रूरत है। तो देखो भाई, आगे हम जिम के अंदर कुछ इस तरीके का लुक है। वैसे मुझे तो सही लगा जिम, बाकी सीजे को उतना पसंद नहीं आया तो हम क्या ही कर सकते हैं, बट भाई मुझे तो तगड़ा लग रहा है। डंबल वम्बल थोड़े कम है, लेकिन फिर भी सही है, इतना काफ़ी। और यहाँ पे ट्रेडमिल यहाँ पे दिख रहा है, तो स्टार्टिंग करते हैं स्पीड और स्टैमिना बढ़ाने से। सो गाइस, यहाँ पे देखते हैं कौन सा हम करें। ओके, सो लेवल 5 करते हैं अभी गाइस, क्योंकि भाई इतना दम तो है नहीं सीजे में कि सीधा लेवल 10 पे चल जाए। और यहाँ पे दौड़ना सीजे ने स्टार्ट कर दिया, जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसी से सीजे दौड़ रहा है। सो गाइस, देखते हैं सीजे को कितना दौड़ाना है हमें। और वैसे अगर सीजे ने अपने लिमिट से ज़्यादा दौड़ा ना, तो सीजे भाई गिर जाएगा ट्रेडमिल से, ऐसा यहाँ पे बताया गया है हमें, मतलब जिम के ट्रेनर ने हमें बताया था कि ऐसा होगा। सो गाइस, दौड़ते हैं, वैसे ज़्यादा भी नहीं दौड़ेंगे। तो ये देखो फैट हमारा सीजे कम हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है भाई, क्योंकि फैट अगर ज़्यादा रहा तो भाई सीजे दौड़ नहीं पाएगा अच्छे से। अच्छी बात है कि फैट कम हो रहा है, अब बस स्टैमिना भी बढ़ जाए इसकी तो और अच्छा रहेगा। ओके भाई, सो स्टैमिना भी बढ़ रहा है सीजे का, तो ये बहुत ही सही बात है। और ये सीजे, ओ शिट, अरे भाई सीजे इसलिए औकात से ज़्यादा नहीं दौड़ने का भाई, गिर गया ना भाई, देखा कैसे पटका है सीजे भाई साहब। सो गाइस, यहाँ पे सीजे ने ट्रेडमिल पे तो दौड़ लिया, स्टैमिना बढ़ा लिया, और भाई ये कहाँ जा रहा है सीजे। ओ भाई साहब, सीजे रुक जा, अरे भाई एक दिन हुए जिम किए हुए, कहाँ बॉक्सर से पंगे लेने जा रहे हो भाई, मारना मत। ओ शिट भाई साहब, सीजे ने मार दिया बॉक्सर को, अब तो ये पेल देगा इसको भाई। अबे भाग सीजे, अरे पिट जाएगा। लेकिन भाई ऐसे कैसे, सीजे में वैसे दम तो है भाई, एक दिन जिम किया, देखो बॉडी देखो भाई बढ़ाई तो है। इधर आ तू बॉक्सर, मार इसको। ओ भाई साहब, बॉक्सर में ताकत हो भाई, लेकिन भाई हम में भी कम ताकत नहीं हो। मार ये ले तेरी भैंस के रंग, ये ले मार अंडे तोड़ इसके, अंडे तोड़ भाई ऑमलेट बना दे। तो भाई यहाँ पे बहुत बुरी तरह से पेल दिया सीजे ने बॉक्सर को, मतलब भाई एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा इसकी पूरी हेल्थ उड़ा देगा ये, बट सीजे में दम तो है भाई। सो गाइस, आप देख सकते हो कि भाई एक दिन के एक्सरसाइज में क्या ही सीजे तगड़ा वाला बन चुका, मतलब क्या ही भाई बॉक्सर को पीट दिया सीजे ने। विश्वास करोगे, बॉक्सर इतना तगड़ा वाला बॉक्सर, उसको पीट दिया सीजे ने, इतना ताकत बढ़ चुका है। तो अगर रोज़ एक्सरसाइज करे तो भाई नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। और गाइस, यहाँ पे हम आ चुके हैं और डंबल से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये देखो सीजे ना 40 LBS का डंबल उठा रहे हैं, जो कि 20 kg के आसपास होगा। सो गाइस, देखते सीजे कितना डंबल मार पाएगा, मतलब कितने रैप्स लगा पाएगा। तो देखते भाई, यहाँ पे वैसे 6-7 रैप्स तो हो गए और मसल्स भी बढ़ रहे हैं ऐसा दिख रहा है सीजे में। सो देखते गाइस कि और कितना रैप्स लगा पाता है सीजे। सो लेट्स सी भाई। तो भाई 12 रैप्स लगा लिया, मसल देखो भाई साइड में देख रहे हो, मसल क्या ही तगड़ा वाला बढ़ रहा है सीजे का, जो कि मुझे और इसी एक्सरसाइज से गाइस मैं बताऊँ आपको कि
बाइसेप्स बनते हैं, देखो सीजे के बाइसेप्स बन रहे हैं ना क्या तगड़े वाले। सो गाइज यहाँ पे 20 रैप्स हो चुके हैं, और यहाँ पे गाइज हम रख देते डंबल को, क्योंकि भाई ये जिम वाले हैं ना बहुत हरामी है, थोड़ा सा एक्सरसाइज कराते हो भगा देते, अगर ज़्यादा सीजे ने एक्सरसाइज कर लिया ना तो बोलेंगे कि भाई आज के लिए इतना काफ़ी है अब कल आना, तो इसलिए भाई डंबल को रख देते और चलते हैं यहाँ पे भाई। हाँ ये सही, बारबेल मारते हो भाई, ये बहुत ही तगड़ा। और यहाँ पे पता है मैं एक चीज़ करने वाला हूँ कि जो सबसे भारी वेट है ना उसी साथ सीजे को करवाऊंगा, तो देखते भाई कि सीजे उठा पाएगा नहीं। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है ये सीजे पैंट में ना टट्टी कर दे। ओ भाई साहब, ओ भाई देखो आपने सीजे ने उठा लिया, मतलब 320 LBS, इसे अगर आप कन्वर्ट करोगे केजी में तो ये होता है आई थिंक 150। भाई यहाँ क्या ही तगड़ा वाला सीजे एक्सरसाइज कर रहा है आज, तो भाई लगता है आर्नोल्ड बन के जाएगा। और यहाँ पे देखो मसल्स भी भाई क्या ही तगड़े वाले इसके बढ़ते जा रहे हैं। सीजे भाई आज तो सबको फोड़ देगा, मतलब जो मिलेगा ना सीजे छोड़ने वाला नहीं है किसी को भी। तो देखते भाई इतने भारी वेट से सीजे आखिर कितना रैप्स लगा पाता है, तो यहाँ पे 7 रैप्स उसने लगा लिए, और देखते आखिर कितना रैप्स लगा पाएगा सीजे। कहीं भाई डंबल नहीं वैसे ये बारबेल है भाई, तो कहीं बारबेल ने अपने ऊपर गिरा लिया, तो भाई डर लग रहा था। और ये भाई तो भाई सीजन एक्सरसाइज कर लिया, और जिम वाले ने बोला भाई कि आज के लिए इतना काफ़ी है अब आना कल, तो सीजन ने भाई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया। और देखो बॉडी वॉडी देखो भाई पोज वोज मार रहा है सीजे, कति तगड़ा कति जहर लग रहा है भाई सीजे। तो चलो भाई थोड़े पंगे वंगे लेते हैं बॉक्सरों से, तो यहाँ पे पंचिंग बैग है थोड़ा सा, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते तो उसके बाद उनको मारेंगे। तो ये तो यहाँ पे हो गया प्रैक्टिस, अब इसमें जंप करते हो। ओ शट, अरे भाई इसमें तो जंप ही नहीं कर पा रहे, मतलब जा ही नहीं पा रहे अंदर, तो मारेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखते कोई बाहर बाहर अगर हुआ तो उसको ही पेलते हैं, बट यहाँ पे कोई दिख तो रहा नहीं है। ओके हाँ सो यहाँ पे है, तो इसको मारते हैं यहाँ नीचे बैठ के। ये ले, अबे तू बाहर क्या कर रहा है, जा अंदर लड़ अंदर लड़, यहाँ पे मतलब यहाँ क्या कर रहा है, चल पक पक पक। तो भाई इसको भी हमने मार दिया बहुत बुरा वाला। अब चलते हैं बाहर और देखते हैं कि बाहर कौन कौन है, और दिखा दे भाई लोगों को थोड़ी अपनी बॉडी वॉडी, भाई इतनी मुश्किल से तो बॉडी बनाई है, चलो दिखाते हैं लोगों को कि हमारी बॉडी कैसी है, और पूछते भी है तो। और मैडम कैसी हो, ये देखो मैंने थोड़ी बॉडी बनाई थी अभी जिम गया था मैं, बताना कैसी है। अबे बोल ओ भाई कहाँ जा रही है, एटीट्यूड दिखा रही है तू मुझे। अरे एटीट्यूड दिखा लेना, बट ये तो पता है मेरी बॉडी कैसी है, नहीं बताएगी। ये ले ये ले ये ले, तू ये बताना नहीं है भाई, मतलब कोई बंदा इतनी मुश्किल से बॉडी बना के आया और ये एटीट्यूड दिखाने में लगी है। ये ले तू तो इसी लायक है, और ले भाई, मतलब इतनी मुश्किल से बॉडी बनाई, ये नहीं कि तारीफ वारीफ कर दे, लेकिन ना इन्हें तो एटीट्यूड दिखाना है। और ये देखो ये आया हीरो बनने वाले, ये ले तू भी पेट। अबे मतलब हद है बे, ये लोग आए हैं हीरो बनने, तो भाई यहाँ तारीफ वारीफ तो कोई कर नहीं रहा है। तो यहाँ से निकलते, और जैफरी भाई एक अपना बंदा है जैफरी, उसके कुछ पंगे हो रखे हैं, तो चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स गो भाई। सो गाइस यहाँ हम आ चुके हैं जैफरी के घर पे, और चलो मिलते हैं जैफरी से, देखते हैं भाई क्या कर रहा है वहाँ पे, जाते हैं और पार्टी वार्टी थोड़ा करते हैं भाई, मज़े वजे करेंगे जैफरी के साथ मिलके। तो देखते हैं, और जैफरी भाई निकल जा, चल आ जा बाहर, पार्टी वार्टी करते थोड़ा बहुत। सो एक मिनट, लेकिन ये लोग क्यों आ रहे हैं भाई, हमें तो जैफरी चाहिए यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं। सो ओके, इसने मुझे बताया था भाई कि जैफरी जो है ना उसने कुछ कांड कर दिया और उसके बाद उसे जेल में डाल दिया। तो भाई सबसे पहले तो हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा जैफरी को लेने, उसके बाद ही हम उससे जान पाएंगे कि आखिर क्या पंगे ले रहे वापस उसने, मतलब भाई जेल में फिर भी पंगे लेने, उसे पंगे ले लिया जेल में। तो देखते हैं भाई कि क्या प्रॉब्लम है उसकी, और फिर उसे करेंगे सॉल्व। अपन यार भाई दोस्त है भाई, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा भाई, तो चलो चलते हैं और देखते हैं। सो गाइस यहाँ से अब मैं डायरेक्ट स्किप कर देता हूँ, नहीं तो भाई बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं आपको दिखाया लेके जाके। तो देखो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं पुलिस स्टेशन में, और यहाँ पे ये रहा अपना जैफरी। सो कहाँ है भाई जैफरी, कहाँ गया जैफरी है भी, अच्छा ओके। सो ये रहा भाई जैफरी, ये रहा। सो चलो मिलते हैं जैफरी से और पूछते हैं हाल चाल कैसा है, और भाई जैफरी कैसा है, सब बढ़िया। सो और भाई जैफरी, अबे भाई साहब, अबे मैं इसे पता है मैंने जैफरी बोला था, इसे नाम नहीं पसंद आया, बोला ओ जी लॉक, बोलो भाई ओ जी लॉक। तो भाई मैं आपको बता दूं कि अपना जो जैफरी ना वो बहुत बड़ा मतलब रैपर है, मतलब अपने लिए भाई बहुत बड़ा रैपर है, रैपिंग वैपिंग करता है, लेकिन भाई इसकी रैप चुरा ली किसी ने, मतलब जो स्क्रिप्ट लिखा था उसने उसे चुरा लिया किसी ने। अब भाई उसी घर पे हम जाएंगे और उसे पीट पाट के उसका रैप लेके आएंगे, नहीं तो भाई गा नहीं पाएगा यार अपना जैफरी, भाई टैलेंटेड है लेकिन गा नहीं पाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो चलो वहाँ पे जाते हैं, ये रहा, यहाँ पे डोरबेल बजाते हैं और इसे बोलते हैं भाई जल्दी से दे दे जैफरी के रैप गाना वाना है भाई, उसे पॉपुलर बनना है भाई, पॉपुलर बनाना है। सो लेट्स गो, और मांगते हैं भाई, देखते हैं देता है नहीं, अगर या तो प्यार से देगा और अगर नहीं दिया तो पीट पाट के तो हम ले लेंगे, गन वन तो वैसे अपने पास है, जैफरी ने भी ले रखा होगा। सो लेट्स सी कि जैफरी को देता है या नहीं, वैसे जैफरी मत बोलो इसे, ओ जी लॉग बोलो भाई, ओ जी लॉग, ओ ये भाई तगड़ा नाम है।
पूरा रैपर वाला स्टाइल में आ गया। तो भाई इन लोग ने बोला कि देने वाले नहीं है भाई, और ये बाइक से लेके भाग गए, तो हमें भी जल्दी से बाइक ढूंढनी पड़ेगी। सो यहाँ पे बाइक है, और यहाँ पे जैफरी को भी पीछे बैठा लेते हैं ताकि गन वन से शूट यही करेगा। मैं तो भाई बाइक चलाऊंगा और गन से फिर शूट करना दोनों काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जैफरी को बैठा लिए और यहाँ पे देखते कि कहाँ कहाँ जाता है और इसका पीछा करते हैं। सो भाई ये रहा, और पता नहीं कहाँ कहाँ गलियों में लेके जा रहा भाई, यहाँ तो मैंने आज तक देखा भी नहीं है। सो लेट्स गो, और देखते हैं कि ये पकड़ पाता है यानी। शूट कर भाई जैफरी, शूट कर, इसके पूरा उड़ा देंगे, इसका खोपड़ा उड़ा दे आज तू। सो यहाँ पे आ गया और ये चलो चल चल शूट कर शूट। ओ भाई अब यार ये कार वाले ने ठोक दिया यहाँ से। भाई चलो जल्दी से ऊपर से चलते हैं और इसको शूट करते हैं। सो चलो चलो शूट। और ये ओ अबे यार ये कहाँ से निकल जा रहा है भाई, मतलब कहाँ कहाँ लेके जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ से गए और यहाँ पे भाई अब फुल स्पीड में भगाएंगे इसको, अब शूट करना है। तो देखते हैं यहाँ पे चलते फुल स्पीड में, और ये जैफरी को ओ भाई साहब अबे यार कार वाला कहाँ से आ गया बीच में। इसको अगर अभी मिशन पे नहीं होता उड़ा देता मैं इसको लिटरली भाई, फालतू में आके बीच में ख़राब कर दिया सारा। इतना अच्छा जा रहा था और जैफरी भी ठोकने वाला था उसको बस, लेकिन भाई वो निकल गया आगे। और एक तो भाई बाइक भी इतना तेज़ चला रहा है ना। हाँ ये चलो अच्छा मिल गया, नहीं तो भाई ये निकल जाता बहुत ही दिक्कत हो जाती फिर, वरना जैफरी भाई वो तो फिर गा ही नहीं पाता, इसकी स्क्रिप्ट ही गायब है। तो यहाँ पे देखते हैं, और भाई बाइक तोड़ा चला रहा है ये बंदा। यहाँ पे देखते हैं और अभी ये क्या हुआ भाई, ये कौन थी पापा की परी जो उड़ गई। अरे भाई इसलिए रोड पे नहीं खड़े होने का बीच में, और पंगे तो बिल्कुल भी नहीं लेने का। तो यहाँ पे भाई जा रहे हैं जैफरी, भाई क्या कर रहा है जैफरी अभी, अगर मैं होता तो कब का शूट कर देता, मतलब इतना बकवास शूटिंग स्किल्स है इसके यार। ये देखो अभी तक नहीं मरा, इतने पास में तो है, लेकिन भाई ये देखो स्पीड भी इसकी लग रहा है हायाभूसा की इंजन लगा रखी है, हायाभूसा की भी नहीं कावासाकी की लगा रखी है भाई इंजन, ये इतनी तोड़ी वाली स्पीड। ओ शट अबे मुड़ गया यार, मतलब भाई क्या ही तोड़ी स्पीड में लेके भगा रहा है वो, मैं तो देखते रह जा रहा हूँ। मैं मेरी भी वैसे स्पीड में बट उसकी इतनी नहीं है भाई, क्या ही तोड़ी स्पीड में लेके जा रहा है। तो ये देखो उधर गया, अब यहाँ साइड से मुझे एक रास्ता पता है तो मैं साइड से निकाल लेता। सो यहाँ पे अब इसको ठोकते हैं, यहाँ पे पहले से हम रहेंगे। तो ये देखो आ गए अबे, अभी तुम्हारे भाई क्या है ये सामने था वो बंदा, मतलब मजाक है भाई जैफरी ये। आई थिंक मुझे लगता है कि ये गेम में मतलब ये मिशन में चाहते ही नहीं है कि हम इसे ठोक दें, ऐसा मुझे लग रहा है भाई, क्योंकि देखो तो इतने पास पास आके भी अभी तक ये नहीं मार पाया, तो ऐसा मुझे लग तो रहा है वैसे। सो लेट्स सी कि यहाँ पे तो वैसे बाइक भी मारा गिर के स्टंट मारने के चक्कर में, बट लेट्स सी कि ये जैफरी इसे मार पाता है यानी, अगर नहीं मारा तो भाई इसे इसी की नुकसान है, हम क्या हमें क्या। तो भाई चलो देखते हैं कि क्या होता है आगे, और ये पता नहीं कहाँ पे है यार। सो ये रहा ओके, तो ये रुका है अबे हमारे लिए, मतलब चांस दे रहा है हमें भी। और ये ओ भाई साहब ये क्या हुआ, मतलब अब मुझे पता है कंफर्म हो गया कि ये पक्का इस मिशन में नहीं चाहता कि हम इसे मार दें, क्योंकि ये भाई कैसे उड़ा सकता है किसी भी कार को ये, तुम भाई मतलब अलग ही सीन हो गया ये तो। क्या था ये, एक बाइक कार को उड़ा रहा है वाह। अबे यार एक तो ये कार पता नहीं बीच में कहाँ से घुस गई, अब हमें आगे से लेके जाना पड़ेगा, और मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं वो भाग ना जाए, क्योंकि भाई इतनी नेक्स्ट लेवल स्पीड में भगा रहा है ना, क्या ही बोलूँ मैं। कावासाकी की इंजन लगा रखी है भाई, और टैंक का उसने ऊपर से लगता लगा रखा। तो देखते हैं भाई ये कहाँ पे ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे जाते अब तो पक्का भाई ठोकेंगे इसको। और भाई इसके साथी भी है यहाँ पे, सबसे पहले तो इनको उड़ाते, ये लेती भैंस की टाइम, एक तो गया। अब यहाँ पे जाके देखते हैं और कितने बचे, और मैं तो भाई मतलब बाइक पे ही सबको मारूंगा, ये भी एक गया, मैं उतरने वाला भी नहीं, बाइक से सबको ठोकेंगे भाई। तो देखते हैं यहाँ से गन शूट नहीं हो पा रहा, सो आगे जाके शूट करेंगे ओके। सो इसको शूट किया, इसको भी शूट किया, और ये तीसरा भी मरा, आगे देखते कौन है ओके। तो ये चौथा भी गया, और ये लास्ट ये ले जैफरी का भाई रैप चुराएगा अब है मतलब। लेकिन जैफरी को देखो भाई सारा मतलब सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले रहा है, हमने इसकी इतनी हेल्प करी और सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले रहा है कि उसी ने सब किया। सो भाई यहाँ पे हो गया जैफरी का काम ख़त्म, हमने उड़ा दिया उसके जिसने उसके स्क्रिप्ट को चुराया था। आगे हमें स्क्रिप्ट मिलेगा बट ये अभी नहीं मिलने वाला स्क्रिप्ट। सो गाइस ये था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे भी जैफरी को घर छोड़ने जाना है, तो घर छोड़ के जाते हैं जैफरी को जल्दी से। तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट भी कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।